हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गगरानी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि हम आपके सहयोग के लिए ही बने और हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, बट हम आपका सहयोग वीडियो के माध्यम से ज़्यादा कर पाते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करते तो शायद हम आपको गाइड ना कर पाए, और करने की कोशिश करेंगे, बट आप भी चाहे तो आप हमारा सहयोग दे सकते हैं। आप दरोदा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे साथ में, जिससे क्या होगा कि हम मिलकर कमाएंगे और कंपनी से मिलने वाली परसेंटेज शेयरिंग से मुझे भी भला होगा और आप लोगों को भी मेरी सर्विस से या मेरे द्वारा दी गई जानकारी से भला होगा, जिस तरीके से लोग कर रहे हैं। दोस्तों मुझे पता है कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड किया होगा, जो कि इस नाम से गाइड जेड इंडियन ब्राउजर के नाम से, और अगर आपने उसमें दी हुई लिंक जो कि जो ज्ञान द स्क्वायर ऑफ नाइन के नाम से उसको अगर दी होगी, तो सेकंड शीट पे हमने इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर कुछ मेंशन किया था, शायद आपने देखा हो, और अगर नहीं देखा हो तो शायद अब आप देख लोगे मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि अब आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसके अंदर वो इस तरीके के कॉल हमने दिए थे। इवन नोटिफिकेशन बेल के थ्रू आपको मैसेज भी मिला था, तो आपने देखा होगा कि हमने कहा था कोलगेट, जिस लोगों ने इसको देखा होगा समझा होगा उन्होंने जरूर इन्वेस्ट किया होगा। हमने कहा था 1056 पर खरीद लीजिए 1000 रुपए के स्टॉप लॉस के आसपास, टारगेट आपके इस तरीके से आ सकते हैं। आज का हाई था जो दोस्तों वो था 1108 रुपए, यानी ऑलमोस्ट हम मोर देन सेकंड टारगेट के पास पहुंच चुके हैं, थर्ड टारगेट के आसपास पहुंच चुके हैं। और बीएससी लिमिटेड हमने 770 से कहा था 800 रुपये, 825, 835, 725 का टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस, और आज का जो हाई है वो 815। इवन हमने 3 दिन पहले लुपिन में 790 के आसपास बाइंग के लिए बोला था 825 और 850 का टारगेट, आज का हाई तो जा 842 रुपये। दोस्तों अगर आप कुछ भी अर्निंग करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से दोस्तों, तो अगर आप चाहे तो इस बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हैं आपकी अमाउंट जो चाहे, तो नहीं करना चाहे तो कोई इश्यू नहीं है, ये आप पे डिपेंड कर सकता है। आप फायदा उठा सकते हैं, आपको जो फायदा उठाना है इन चीजों का। तो दोस्तों ये मोबाइल आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, मेरे को एक ईमेल की रिक्वेस्ट दे दीजिए, उसमें से लिंक से मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेस करूंगा, आप ये शीट कर पाएंगे। दोस्तों हम ये भी सोच रहे हैं कि ये लिंक न होते हुए आने वाले समय में आपको एक डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन ही देते, जिससे कि आप डायरेक्ट ये रिक्वेस्ट देने की भी जरूरत ना पड़े, आप जब चाहे मर्जी चाहे जब देखो और नोटिफिकेशन के थ्रू आपको जानकारी मिल जाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे आज कुछ 4 स्टॉक की, बट उससे पहले हम जरा निफ्टी को देख लेते कि बैंक निफ्टी ने किस तरह परफॉर्म किया। तो आज देखिए बैंक निफ्टी ऊपर है और ये हमें लग रहा है कि 25,100 तक के लेवल तक आराम से जा सकता है। अगर ये नहीं गया तो नहीं भी जा सकता है, बट यहीं से रिवर्स कर सकता है, बट गया तो 25,100 तक के लेवल तक जा सकता है। इसी तरीके हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी वही अच्छे खासे रेंज में है और ऊपर की तरफ जाना चाहता है 10,402 के आसपास के लेवल पर। अब हम बात करेंगे दावत, जो कि मिस्टर अमिताभ बच्चन जिस कंपनी का एड करते हैं दावत राइस का, तो उस कंपनी का नाम वैसे तो एलटी फूड लिमिटेड है, जो कि हमारे लिए चावल, बासमती चावल और डिफरेंट टाइप ऑफ चावल्स की को बेचती है इस ब्रांड के नाम से, और उनका जो फेमस ब्रांड नेम है वो है दावत, जो कि मिस्टर अमिताभ बच्चन उसको एडवर्टाइज करते हैं। दोस्तों आप इस चार्ट को जरा देख रहे होंगे किस तरीके से ये चार्ट आपको काम करना शुरू किया होगा। आपने शायद इसको देखा होगा, ये स्टॉक किसी जमाने में, मतलब अगर हम बात करें तो अक्टूबर में ये 65 रुपये के आसपास मिलता था, और जो इसने दौड़ लगाना शुरू किया तो ये कम से कम 110 रुपये के आसपास आ गया। और अगर हम बात करें तो ये स्टॉक अभी भी ये स्टॉक वापस से दम भरना शुरू कर दिया है। हमें ये लगता है कि भाई अगर ये स्टॉक इसी तरीके से चलता रहा तो वापस से 104 के आसपास आ सकता है, बट सबसे पहले तो वो ये कि 97 रुपये यानी 100 रुपये तक के आसपास को छू ले। जब छू लेगा तो हम आशा करेंगे कि भाई आराम से ये 105 के आसपास जा सके, बट नीचे में वही आपको एक सपोर्ट लेवल मिलेगा वापस 84 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इस तरीके से इसमें मोमेंटम को ट्रैक कर सकते हैं और कर सकते हैं। अगर ये इस तरीके से चलना शुरू कर दिया दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से वापस जाएगा। देखो क्योंकि ये वापस सपोर्ट लेता है, यहाँ से फिर उठ जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, बट ये यहाँ पे जब इसने इस लाइन इस मूविंग एवरेज के सपोर्ट को तोड़ा, देनी नीचे आ गया और अगेन वापस। इसी तरीके से हम बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो का जो होल्डिंग, जो फाइनेंशियल होल्डिंग है जिसे हम कहते हैं एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, वो भी देखिए। अब आप देख रहे हैं कि कितने सालों से वो स्टॉक अच्छे खासे ट्रेंड में था। अगर आप देखेंगे तो देखिए उसने जो मोमेंटम चालू किया वो 130 से चालू किया था 2017 के मोमेंटम से, वो आराम से 200 मतलब कहाँ वो 70 रुपए का स्टॉक हुआ, सॉरी 130 रुपए का स्टॉक हुआ करता था,
फिर उसने आराम से 230 रुपए के आस 13 रुपए के आसपास गया, जब उसने ये ब्रेक किया देन वो अगेन नीचे 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 नीचे, और वो कोशिश भी कर रहा था बट संभल नहीं पाया, देन अगेन अब ये इतने अच्छे वॉल्यूम से कहते हैं कि इतनी अच्छी एक बुलिश कैंडल बन गई है इसके ऊपर जो कि अभी जा सकती है ऊपर, तो हम वापस आशा करते हैं कि भाई नीचे में तो 150 ना टूटे तो अच्छा है, और ऊपर में अगर ये 200-185 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके हम बात करेंगे JSWSTEEL। JSWSTEEL एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप देखेंगे कि 200 रुपए में ये स्टॉक किसी जमाने में मिला करता था 2017 में, उसके बाद ये 271 के आसपास गया, देन ये वापस यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास झोल मोल खाने लग गया, नीचे गया वापस ऊपर आया, देन इसी तरीके से अब ये वापस से इस यहाँ पर देखिए आप फोर डेज से अगर हम बात करें तो यह ऊपर ही घूम रहा है। अभी हमें लगता है कि भैया ये 308 का जो लेवल है ये आराम से तोड़ के वापस 320 तक आ सकता है, और अगर ये चाहे तो फिर ऊपर जा सकता है अगर 320 इसने क्रॉस कर दिया। अगर हम इसके वीकली चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट पर आप देखो तो एक बुलिश ट्रेड है, और ये दिखा रहा है कि 320 तक जाएगा, बट अगर ये 320 क्रॉस कर देगा देन हम अज्यूम करेंगे कि ये बहुत ही अच्छे ट्रेंड अप ट्रेंड में चला जाएगा, क्योंकि फिर ये अपने लाइफ टाइम हाई बनाने शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए फिर अब हम बात करते हैं उज्जीवन फाइनेंस। उज्जीवन फाइनेंस एक माइक्रो माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी होती है जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में डीलिंग करती है, वो फाइनेंस देती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इसका ट्रेंड है, इसमें हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, हायर लाइज हायर लो के फॉर्मेशन है दोस्तों इसके अंदर। डेली चार्ट पर भी किस तरीके से काम करता है, अगर आप इस पर ट्रेड करना चाहो तो भी आप कर तो सकते हो, बट आपको डर भी लगेगा कि भाई कब ये पासा पलट दे। देखो आप एक दिन में 385 से लेके 471, अगले दिन 400 वापस हुई, फिर नीचे, फिर वापस कुछ दिनों में 271, फिर वापस ये 300 से 358 रुपये से चला, फिर ये 450 तक गया, देन वापस नीचे। जब नीचे आया तो फिर ये नीचे आता है तो रुकते का नाम ही नहीं लेता दोस्तों, 400 रुपये से ये सीधा 250 रुपए तक आ जाता है, तो 290 रुपए तक आ चुका, फिर हमें नींद उड़ाता है, फिर वापस चलता है, फिर वापस नीचे आ जाता है, फिर चलता है, फिर नीचे आता है, बट अगेन वापस यही लग रहा है कि भाई ये अगर अब चलेगा तो हो सकता है कि भाई आराम से ये 3398 फिर आ जाए, और बल्कि ऊपर के लेवल जो इसके आ जाए। अगर हम इसके वीकली चार्ट को आराम से देखें तो किस तरीके से दिखाई देता है ये वीकली चार्ट पर, आप देखिए कि अब ये वीकली चार्ट पर भी बुलिश ट्रेंड में है, और आराम से हम कहते हैं कि वही 400 रुपए तक का लेवल, देन उसके बाद में 400, फिर बाद में अगर ऊपर चाहे तो और भी जा सकता है, ये स्टॉक पर डिपेंड कर सकता है और माहिर खिलाड़ी पर डिपेंड करता है, ये हाल ही की ज्यादा दिन की लिस्टिंग नहीं है इसलिए इसमें ज्यादा बड़े चार्ट आपको दिख नहीं रहे दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी, नहीं भी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं वीडियो को, ताकि अच्छे लोगों को सब लोगों को ये जानकारी मिले और वो लोग भी प्रॉफिट उठा सके दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमने क्रूड में भी आपके लिए थोड़े दिन पहले कुछ जानकारी शेयर की थी कि क्रूड में क्या हो सकता है, तो आप क्रूड में देखो कि भाई जब ये ऊपर के लेवल तो ट्रेड नहीं कर पा रहा, देन अगेन वापस नीचे चलना शुरू कर दिया, बट जहां सपोर्ट है वो वापस खाने आ रहा है, और आप देखो कि ये स्टॉक ने जब यहाँ पर सपोर्ट रेंज हमने उस दिन आपको बताया था उसके बाद में भी ये करीबन 160 रुपए के आसपास वहां से भी देके चला गया। अगर आप बात करें इस लेवल से 444 से लेके 161 तक गया, मतलब 120 रुपए के आसपास के लेवल देख के चला गया हमने जब आपको बताया था, उसके बाद में अब वापस नीचे आने की जा रहा है, मतलब लगता है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड में हो सकता है गिरावट आ जाए बड़ी, बट जब तक चल रहा है जब तक आप देख सकते हो कि किस तरीके से ट्रेड करता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट कर दें, मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप मेरी हेल्प कीजिए दोस्तों। अगर आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं अगर आप उससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका मैं बस आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहे, खुश रहे, व्यस्त रहे, और आप लोगों की दुआएं हमें लगती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, कोई नए शेयर्स के साथ। आज हमने जो डिस्कस किए दावत, L&T फाइनेंस, JSWSTEEL और उज्जीवन फाइनेंस, तो आपने समझ गए होंगे कि भाई हम इस तरीके से आपके लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे, आप भी कुछ ना कुछ करिए लोगों के लिए, ताकि लोगों का भला हो, आपका भला हो, और आपके आसपास के सभी लोगों का भला हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ है।